Thank you, Ronnie. Anyone wanting to say something? Anyone got any anecdote? हसीना मोइन को, हसीना आपा आइए, हसीना दोस्ती भी थी, थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी थी और मैंने उनसे काम भी करवाया है। उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा दिलचस्पी का मुकाम दिलवा दिया था। पिछले महीने पूरे में यहाँ पर नहीं थी पाकिस्तान में, तो पिछले महीने में स्कॉटलैंड में थी, दिख रही थी। बहुत खूबसूरत मौसम था, खूबसूरत जगह थी। न जाने कैसे एक शेर बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था, किसकी याद थी, कहाँ की याद थी, समझ में नहीं आ रहा था। कुछ फौक भी था कि ऐसा क्यों सोच रही हूँ। बार बार घर फ़ोन करती थी कि सब खैरियत तो है। लिखते लिखते वही एक शेर जहन दोहराता रहता था, नगर सुनसान हो जाएगा सारा, उसे रोको वो हिजरत कर रहा है। फिर मुझे घबराहट होने लगी जब मैं लिखने बैठती, मैं टेप रिकॉर्डर ऑन कर देती, गाने होते रहते। वो लोग समझते शायद मैं मौसम से मुतासिर होकर गाने सुनती रहती हूँ। उसके बाद मैं भूल भाल गई, काम मुकम्मल करने लगी। एक दिन अचानक मोबाइल फेस पर खुर्शीद हैदर और शायन की तहरीर पड़ी। मैं साकित रह गई, हुमैरा आपा चली गई, हिजरत कर गई। तो ये हिजरत उनकी थी, नगर सुनसान हो जाएगा सारा, उसे रोको भी हिजरत कर रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उनसे इतना प्यार था। उस दिन मैं लिख नहीं सकी, ग्लासगो की सड़कों पर घूमती फिरी। वो सारी बातें याद आती रहीं जो हुमैरा आपा की मुलाकातों के दौरान हुआ करती थी। उनकी मुस्कुराहट, उनका खूबसूरत चेहरा याद आता रहा। अगर घर पर होती तो यकीनन तस्वीरों के पैकेट निकाल कर बैठ जाती और उनकी तस्वीरें देखती, या फिर उनकी कोई सीरियल लगा कर देख लेती। मगर बहुत दूर थी और जिन लोगों के दरमियान थी वो उन्हें जानते भी नहीं थे, इसलिए खुद ही अपने आप को तसल्ली देती रही। हुमैरा आपा को सब लोग हुमन आपा कहते हैं, मगर पता नहीं क्यों मैंने उन्हें हमेशा हुमैरा आपा ही कहा। उनका पूरा वजूद ही मोहब्बत था, जिससे मिलती थी मोहब्बत से मिलती थी। पहली बार हमने उन्हें तानसेन के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया। वो खुश भी थी, घबरा भी रही थी, लेकिन उनका अपना एक कुदरती अंदाज ही ऐसा था कि उन्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल नेचुरल अंदाज में बोलती और देखने वाले वाह वाह करते। आखिरी सीरियल जो उन्होंने हमारे साथ की वो अनजाने नगर थी। अब वो अनजाने नगर जा चुकी हैं, लेकिन मुझे याद है कि तुष्का जो उनके साथ रहती है, उसने मुझे समझाया था कि हसीना आपा ऐसा मत करें, अम्मा भूल जाती हैं, ये नहीं कर सकेंगी, फिर आप लोग भी परेशान होंगे, ये भी परेशान हो जाएंगे। जाहिर है वो बेटी है, उसे ये फिक्र थी कि परेशानी में विवाद ना हो जाए। लेकिन मैं और ख्वाजा नजमुल हसन, हमें दोनों को यकीन था कि वो कर लेंगे। मुझे ये भी अंदाज़ा था कि वो करना चाहती हैं, अंदर से वो करना चाहती थी और घबरा रही थी। तो वो सारे सीन इस तरह हुए कि वो तख्त पर बैठती या डाइनिंग टेबल पर बैठती और ख्वाजा नजमुल हसन जो डायरेक्टर थे वो फर्श पर आधे लेटे आधे बैठे हुए एक एक जुमला बोलते जाते थे और हुमैरा आपा उसी तरह दोहरा देती थी। पूरे सीरियल में यही हुआ, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो भूल रही होंगी या एक एक जुमला अलग अलग रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि इनके चेहरे के एक्सप्रेशन ने कहीं भूल चूक नहीं की। पूरा सीन जब देखा गया तो यही लगता था कि वो सारी बात एक साथ कह रही हैं, समझा रही हैं। लंबे लंबे जुमले थे लेकिन टूट टूट के रिकॉर्ड हुए, लेकिन देखने वाले को कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये अलग अलग रिकॉर्ड हुए थे। ये उनकी एक्टिंग का कमाल था। ये मेरी खुश
ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो मिली। और जिस तरह वो मुझे प्यारी लगती थी, इसी तरह वो भी मुझसे प्यार करती थी। जब भी मैं उनके घर जाती तो इतनी खुश होती, नौकरों को आवाज़ें देती रहती थी, भाई चाय लाओ, खाने को कुछ लाओ। कल मैं नाजली से बात कर रही थी कि हर बार मैंने उनके यहाँ हलवा खाया है तो वो हलवा बड़े शौक से किया, या तो नौकर पकाते थे या खुद वो बनवाती थी, लेकिन हलवा खाना पड़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस्लामाबाद गई हूँ और उनके घर न गई। सिर्फ पिछले साल मैं 2 दिन को गई थी, कोशिश के बावजूद नहीं जा सकी, जिसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ कि यादों में वो हमेशा हंसती मुस्कुराती ही रहेंगी। मैं उन्हें कभी बीमार निठार नहीं देखूँगी, और जहाँ वो गई हैं वहाँ भी उनकी मुस्कुराहट की रोशनी फैली होगी। तानसेन के उस सीन में जब अम्मा इस दुनिया से जा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि अजीब सा लग रहा था कि मैंने उनको इस सीन में शामिल किया है। उनकी बेटी कह रही थी कि अम्मा देखिए, अंधेरा छट रहा है, रोशनी फैल रही है, रोशनी की तरफ देखिए। तो मेरा पर रोशनी की तलाश में बहुत दूर चली गई। मैं आप सबको उदास ना कर सक उदासी मैं आप सबकी उदासी न कम कर सकती हूँ, न तसल्ली के कोई लफ्ज़ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत से रिश्ते खोए हैं और मुझे मालूम है कि आप उन्हें भूल नहीं सकती। सामने न सही, दिल में तो मौजूद हैं, और वैसे भी उनकी मुस्कुराहट, शफकत, मोहब्बत तो सरापा आपके वजूद में आ गई है। जो जो उनके औलादों में से हैं वो सब वैसे ही बनेंगे जैसे हुमैरा आपा थी। नाजली को मैं देख चुकी हूँ, उनकी दूसरी बेटियों को भी मैं मिल चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरह की शफकत और मोहब्बत उनमें मौजूद है। उन्होंने हमें खुशियाँ दी, हम उन्हें अपनी खुशियों में याद रखेंगे हमेशा हमेशा। और मुझे ये भी यकीन है कि अल्लाह ताला अपनी इस खूबसूरत मखलूक को, इस खूबसूरत तखलीक को बहुत खूबसूरत मुकाम देंगे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत अच्छी आमीन। और दुआ में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत शुक्रिया।